हमारे कर्नाटक में खाजे बंजन और दरगाह का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। इससे पहले हमारे बड़े साहब था, उन्होंने यहाँ के गरीबों का और लेडीज़ के लिए, खासकर माइनॉरिटी लेडीज़ एजुकेशन होना, वो शिक्षण के बहुत वंचित थे, वो लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलना बोल के एक संस्था चालू करे उन्होंने एजुकेशन, वो फाउंडेशन डाल के एजुकेशन चालू करने के बाद उन्होंने MLC भी बने थे और इसका एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा एक बुनियादी डाल के गए थे। ये साहब भी, छोटे साहब भी, इन्होंने भी वो एजुकेशन कंटिन्यू करके, ये हैदराबाद कर्नाटक में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, पहली बार खाजे बंजना जो शरण बसप्पा दोनों, ये आंख है हमारे गुलबर्ग की, दोनों तरफ यूनिवर्सिटी बन गए। अब यहाँ खाजे बंजना यूनिवर्सिटी बन गए, बहुत लोग, सारे लोग इधर काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे पूरे यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं। इससे काम करके सब लोगों को, गरीबों को, पूरे माइनॉरिटी लोगों को, सार्वजनिक को, सब लोग, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने और बड़ा एक हनुमान ब्लॉक में बोल के बड़ा ग्राउंड, क्रीडांगण इधर हैदराबाद करने का आधा कर्नाटक में किधर भी नहीं है, ऐसा क्रीडांगण बने। एजुकेशन के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेके उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करते थे। वो आदमी हमारे पास नहीं है, बहुत हमारे को नुकसान हो गए, ये हैदराबाद कर्नाटक को बहुत नुकसान हो गए। वो पहले से ही हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, योगेंद्र पाटिल साहब, धर्म सिंह साहब, उनके साथ में भी एजुकेशन प्रारंभ करके बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बने। मैं आत्मा, उनका आत्मा को अल्लाह शांति दे, बोलते मैं प्रार्थना करता हूँ।